ये तुम्हारे चार चैम्बर और ट्राइकस्पिड वाल्व हमने बताया था, और एक उधर की तरफ क्या होगा बाइकस्पिड वाल्व, और ये दोनों तरफ क्या मिलेंगे सेमी ल्यूनर वाल्व। अच्छा एक चीज है, जब भी कोई आवाज आती है तो दरवाजा बंद करने से कि दरवाजा खुलने से आवाज आती है? बंद करने से। ठीक है, हमने कहा कोई भूतिया सोच वाला तो नहीं है, है ना, जब रात के कोई आता है तो चीर चार की आवाज आती है, है ना भाई। भूतिया मूवी देखो तो उसमें होता क्या है ना, भूत आ गया वो धीरे धीरे दरवाजा खुलेगा, है ना, वो एकदम चौकन्ना, उसी साथ म्यूजिक बचेगी, समझ रहे हो ना। हाँ, अब अकेले देख रहे हो तो ऐसा लगता है कहीं हमारे पीछे तो नहीं है, बगल में बैठ के आ गया। अब सुनना, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि दरवाजा बंद करने से, जैसे आंधी वगैरह आती है देखो क्या होता है, वो जब जाके लड़ता है दरवाजा तो हमेशा देखो तो जल्दी से मम्मी पापा ही बोलते जाओ दरवाजा बंद करके आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, हमेशा वाल्व के क्लोज होने से यानी बंद होने से आवाज आएगी। क्लियर है बात? एक तो पहली बात ये हो गई। अब सुनो, अब दो साउंड तुम्हें पढ़नी है, कौन सी? एक तुम्हें पढ़नी है लव, और दूसरी कौन सी पढ़नी है? डब। सही है ना, लव और डब। अब सुनना ध्यान से, देखो ये जो ऊपर की दोनों वाल्व हैं बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड किससे जुड़ी हुई हैं? लव से। और ये सेमी ल्यूनर वाल्व किससे जुड़ी हुई हैं? डब से। और पहले यानी कि ये बताओ ऊपर यानी पहले कौन सी वाल्व मिलेंगी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, और बाद में कौन सी मिलेंगी सेमी ल्यूनर वाल्व। यानी कि पहले यानी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड अगर बंद होगी तो कौन सी आवाज आएगी? लव। और सेमी ल्यूनर वाल्व जब बंद होगी तो डब, है ना। और एक गाना तुम लोगों ने सुना होगा, पहला पहला प्यार है कोई भी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो लव है समझ लो वो पहले लोगे, मतलब जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड है वो क्या मिल रही है तुम्हें पहले ऊपर, और नीचे क्या मिल रही है सेमी ल्यूनर वाल्व, यानी साउंड उसमें क्या आएगी? डब। यानी पहले क्या होगा? लव, बाद में डब। पहले लव, बाद में डब, बस हो गया। अब तुम्हें कोई टेंशन थोड़ी नहीं, क्या बोलोगे? ड्यू टू क्लोजर आप ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्या बताओगे? चलो से याद रखोगे, कैसे याद रखना है? हाँ, एक तो हमारे वाले मैटर पे यही याद रखना, सबसे याद कैसे रखना है, और वो कैसे याद रहेगा वो जब तुम एक दो दिन लगातार पढ़ लो अपने आप बन जाएगा, दिमाग वही फिटिंग हो जाती है, समझ रहे हो, वही कहानी गूंजने लगती है। और जब इकट्ठा 7-8 दिन बाद पढ़ोगे तो तुम्हें गाना जरूर याद रहेगा जो हमने बोला था यहाँ पर, बाकी कहानी याद नहीं रहेगी, जो समझ रहे हो ना। हाँ, यही होता है कि सर वो आपने गाना सुनाया तो था उसमें, लेकिन वो कहा ही नहीं हमें और पता है, तो गाना उसको पता रहता है, फिर वो गाना क्यों गाया गया था वो नहीं पता रहता है ना। जैसे फिजिक्स में एक गाना है तुम्हें बताएं, एक तुम लोग कौन सा लेंज ला पढ़ते हो जिसमें क्या होता है, अगर पास में लाते हो मैग्नेट के तो पहले दूर होता है मतलब अट्रैक्ट करता है, जैसे पास में आता है तो रिपेल करता है, बताओ लेंज, है ना। तो वही चीज है, उसमें एक गाना है कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, है ना। ये लेंज ला का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये तब तुम किसी चीज को दिल खोल कर पढ़ते हो तब समझ में आता है, अब मुंह मारे बैठे हो मन मारे बैठे हो तो ये सब कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ने पे ये मिलता है, समझ रहे हो ना। हाँ, कह क्या रहा है। चलो आज